नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, चाहे BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों को हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि एग्रोनॉमी की सेकंड क्लास रहेगी। एक पार्ट हम एग्रोनॉमी का बना चुके हैं और ये सेकंड पार्ट रहेगा एग्रोनॉमी का, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को आप जरूर देखिए, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, एग्रोनॉमी की आज हम 20 क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट हैं, जो कि हर एग्जामों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कि पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाइट टिप रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे व्हाइट टिप रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी आ जाता है व्हाइट बड और यहां पे दिया है व्हाइट टिप, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तो यहां पे आपको बताना है व्हाइट टिप जो रोग होता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ZN की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, MN की कमी के कारण, या बोरान तत्व की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि कॉपर की कमी के कारण क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाइट टिप रोग हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट टिप रोग किसमें होता है, किसकी पोषक तत्व की, CU यानी कि कॉपर की कमी के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ZN, ZN की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो व्हाइट बड हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट जो बड होता है, जिसको हम सफेद कलिका कहते हैं, ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये मक्का और ज्वार, ठीक है, मक्का और ज्वार ये दो क्रॉप के अंदर होता है व्हाइट बड, जिसको हम सफेद कलिका रोग कहा जाता है, ठीक है। रोग नहीं होता है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जितने भी पोषक तत्वों की कमी के कारण अगर कोई इस प्रकार का कारण लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रोग नहीं बोलते हैं। तो व्हाइट बड जो होगा ये ZN की कमी के कारण होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि यानी कॉपर और मैग्नीज, कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कॉपर और मैग्नीज के कारण क्या होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं पीले कलर की हो जाती हैं, ठीक है, पीली पत्तियां हो जाती हैं, किसके कमी के कारण, ये हो जाएगी, यानी कि कॉपर और मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक है। और बाद में पीली पड़ने के बाद क्या हो जाती हैं, ये पत्तियां सफ़ेद कलर की हो जाती हैं, ठीक है, बाद में कैसी हो जाती हैं मेरे दोस्त, ये सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ZN है, ZN की कमी से खैरा रोग भी लगता है, ठीक है। तो इसकी जो ZN की अगर इसमें कमी है पोषक तत्व की, तो जो सबसे पहले इसके लक्षण कितने दिन पर दिखाई देते हैं, 2 से लेकर 4 दिन, ठीक है, 2 से लेकर 4 दिन के नहीं 2 से लेकर 4 दिन सॉरी दोस्तों 2 से लेकर 4 पत्तियां, ठीक है, 2 से लेकर 4 पत्तियां अगर पौधे पर निकल आती हैं तो इसके लक्षण उस पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और शुरुआती अवस्था कैसी होगी पत्ती की, तो सफ़ेद पत्तियाँ रहेंगी शुरुआती अवस्था में, बाद में धीरे धीरे ये ब्राउन भूरे कलर में बदल जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग यहां पर इसका सोच समझ के आंसर देंगे, अगर यहां पे गलती कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में एक भी गलती आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है, नंबर को कम करा सकती है। तो यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, धान में खैरा रोग कितने दिन बाद आता है, ठीक है। आपको बताना धान में जो खैरा रोग लगता है कितने दिन बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। 3 से 4 सप्ताह में, 3 से 4 दिन में, 4 से लेकर 5 सप्ताह में, या 3 से लेकर 4 महीने में, ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो धान में खैरा रोग जो होता है वो कितने दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं, 3 से 4 सप्ताह, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है, नई पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, नई पत्तियों का रंग लाल भूरा हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग की हो जाती है नई पत्तियों का रंग, ठीक है, ये आप याद रखें। खोजकर्ता कौन है खैरा रोग के खोजकर्ता, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो YL नैने, ठीक है, YL नैने द्वारा इसको खोजा गया, कहां पर खोजा गया ये भी आपको याद होना चाहिए, पंतनगर में सबसे पहले इसको खोजा गया था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी सामान्य जो अगर ZN की कमी के लक्षण होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 से लेकर 4 पत्तियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे 2 से 4 पत्तियां दिखाई देती हैं उसमें, तो धान में, तो ऐसे ही उसके ZN की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन खैरा रोग अगर लगा हुआ है तो 3 से 4 सप्ताह
कि अगर पौधे हो जाएंगे तब उसके लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। और पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। और इसके लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, जो मध्यम पत्तियां होती हैं, ठीक है, नई पत्तियां नहीं, मध्यम पत्तियां जो होती हैं उस पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है नाइट्रेट रिक्टेज के लिए कौन सा पोषक तत्व तो उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एम ओ, एफ ई, एम एन या 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एम ओ मॉलिब्लेडिनम जो होता है ये नाइट्रेट रिक्टेज के लिए पोषक तत्व उत्तरदायी माना गया है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी एम ओ का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, स्थिरीकरण में भी, ठीक है। चाहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ ले, चाहे नाइट्रेट रिडक्टेज पूछ ले, ठीक है, दोनों के लिए पोषक तत्वों के लिए उत्तरदायी जो तत्व है वो एम ओ माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले, लेग हीमोग्लोबिन, तब कौन सा सही हो जाएगा, तब हो जाएगा एफ ई और एम एन, ये दोनों पोषक तत्व तो इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, पौधों में एन यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात 16:1 से ज्यादा होता है तो कौन सा पोषक तत्व तो की कमी आती है। तो इसमें देख लेते हैं, नाइट्रोजन की, सल्फर की, क्लोरीन की या जेड एन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सल्फर की, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दें कि पोटास और कैल्शियम का अनुपात कौन से पोषक तत्व निर्धारित करेंगे, तो बोरान जो पोषक तत्व होता है निर्धारित करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि बी से बोरान पोषक तत्व, ठीक है, ये निर्धारित करता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, यदि किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, 10 हेक्टेयर है, उसमें 5 हेक्टेयर बाजरा और 3 हेक्टेयर गेहूं, ठीक है, 10 हेक्टेयर गेहूं और 3 हेक्टेयर मोट बोता है, तो बताइए सी आई कितनी होगी, ठीक है, आपको सी आई बताना है कितनी होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, 300, 180, 150 या 100। तो यहाँ पर पहले इसका सूत्र, सी आई बराबर कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल बटे शुष्क क्षेत्रफल इंटू 100 होता है, ये हो गया इसका सूत्र। अब देखिए, अब करते क्या है, यहाँ पे सी आई निकालना है। तो सी आई के लिए क्या होता है, यानी कि यहाँ पे दिया कितना है, पहले खरीफ सीजन के लेते हैं, बाजरा कितना है, बाजरा हो गया 5, उसके बाद गेहूँ दिया है कितना, 10, उसके बाद मोट कितना दिया है, 5 हेक्टेयर, ठीक है, मोट दिया है 3 हेक्टेयर, यानी कि बाजरा 5 हो गया, गेहूं 10 हो गया और मोट हो गया 3, टोटल कितने हो गए, टोटल अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम सी आई बराबर कितना निकालेंगे, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, टोटल कितना जोड़े थे, 10 हो गया बाजरे का और 5 हो गया बाजरे का, 10 हो गया गेहूँ का, 3 हो गया मोट का, तो टोटल हो गया 18, और टोटल कितना क्षेत्रफल है, 10 हेक्टेयर है, इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, काटने पे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180% आ जाएगा, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 180, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जामों में आते हैं, कोई भी आप एग्रीकल्चर का कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ICAR हो, JRF, SRF, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जामों में अगर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन देकर, ठीक है, लोगों को क्या नाम है, कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एक दो बार न्यूमेरिकल जरूर लगाएं और हर एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसको आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामों में टपका है, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें हर बार एग्जामों में यही क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पे पूछा है बोरिक अम्ल में बोरान की मात्रा होती है, ठीक है। बोरिक अम्ल अम्ल में पूछ रहा है बोरान की मात्रा कितनी होती है, तो पहले देख लेते हैं। अगर बोरिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है तो बोरिक अम्ल में बोरान की मात्रा कितनी होती है ये आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी 17 से लेके 18%, ठीक है। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कहीं पे 18 है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है बोरान से रिलेटिव, इसमें सोलुबर, ठीक है। सोलुबर में कभी कभी पूछ लेता है बोरान की मात्रा कितनी होती है, तो 20% होती है बोरान की मात्रा, ठीक है। एक कभी कभी क्या पूछता है बोरिक्स पूछ लेते था, क्या पूछता है बोरिक्स पूछता है, तो उसको भी बता दे रहे हैं बोरिक्स में कितना बोरान की मात्रा होता है, तो बोरान की मात्रा हो जाएगा बोरिक्स के अंदर 11%, ठीक है। इन तीनों पोषक तत्वों को याद होना चाहिए, बोरिक अम्ल में 17 से 18, सोलुबर में बोरान की मात्रा 20% और बोरिक्स में बोरान की मात्रा 11%, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखेंगे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आपको बताना है वायुमंडल में CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या कोई नहीं, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि पहले जब हम लोग किताबें पुरानी किताबें पढ़े हैं तो उसमें CO2 की मात्रा 300 ppm थी, ठीक। कितनी थी? 300 ppm थी, यानी कि प्रतिशत की बात करें तो 0.03% था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब जो नई किताबों में हम पढ़ रहे हैं तो इसकी मात्रा हो गई है 400 ppm, कितनी हो गई है दोस्तों 400 ppm, यानी कि 0.04% हो गई है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यानी कि यहाँ पर मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है, तो यहाँ पर मात्रा बढ़ रही है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें आपको समझना होगा कि अगर हमें ppm निकालना है, ठीक है, प्रतिशत से ppm निकालना है तो ppm बटे 10,000 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 10,000 से क्या करेंगे, 10,000 से भाग लगा देंगे। अगर हमें क्या ज्ञात करना है, ppm ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे, प्रतिशत को 10,000 से क्या कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा ppm और प्रतिशत, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शब्द आया, नहीं शब्द आया, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे चना है, राजमा है, मक्का है, या सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दोनों सही है। तो इसमें से आपको ध्यान देंगे, चना जो है ये करता है, ठीक है, चना जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। बाकी दो क्रॉप ऐसी हैं हमारे बीच में यानी कि स्थिरीकरण नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे पूछ लेता दलहनी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी करती है, तो यहाँ पे हो जाता राजमा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है नहीं करती है, तो इसमें क्या नाम है, राजमा और मक्का दोनों हो जाएगा। जितनी भी फसलें होती हैं, जितनी भी लेग्यूम वाली फसलें होती हैं या दलहनी वाली फसलें होती हैं, सभी क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ठीक है। जितनी दलहनी फसल होती हैं और लेग्यूम फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ये आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। अब इसके बाद एक होता है मेरे दोस्त अपवाद के रूप में, ठीक है। अपवाद के रूप में कौन हो जाएगी, वो हो जाएगा राजमा, ठीक है। राजमा जो होते हैं ये अपवाद माना गया है, ये क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, ठीक है। राजमा जो होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, तभी आप एग्रीकल्चर का ये एग्जाम कोई ना कोई निकाल पाएंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन को जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं उतनी ही नाइट्रोजन देनी पड़ती है राजमा क्रॉप को, यानी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। जितनी भी हम बाकी फसलों को खाद्यान्न वाली जितनी फसलें होती है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, उतनी ही मात्रा में हमें राजमा को भी देना पड़ता है। बाकी जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनको उतना नाइट्रोजन के देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ नंबर। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, पूछ रहा है किस मृदा का पीडी सबसे कम होता है। पीडी आप लोग जानते हैं, पीडी मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए। पीडी मतलब होता है पार्टिकल इन डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है,
पार्टिकल डेंसिटी। एक शब्द आता जाता है कभी कभी बीडी, बीडी को क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी कहा जाता है। तो दोनों शब्द को आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस मृदा में पीडी सबसे कम होती है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पीडी का पूछा है, तो पीडी सबसे कम किस में होता है, यानी कि क्ले, क्ले में होगा या काली मिट्टी में होगा। ठीक है, फिर उससे कम दोमट में होगा। ठीक है, दोमट में होगा, और फिर उससे कम किस में होगा, रेतीली में होगा। ठीक है, रेतीली में होगा। ये हो गया यानी कि पीडी का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कले। कले देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में एकदम सही है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। अगर यही पूछ लेता बीडी, ठीक है, बीडी का पूछ लेता, तो आप लोगों को याद होना चाहिए रेतीली। ठीक है, रेतीली के बाद क्या आएगा, दोमट आएगा। ठीक है, दोमट के बाद क्या आएगा, कले आएगा। ठीक है, उसके बाद कले आएगा, जिसको कले कह सकते हैं या काली कह सकते हैं। तो ये तब हमारा क्वेश्चन अगर बीडी का पूछता तो रेतीली। ये दोनों ही शब्द आपको एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, चाहे पीडी का पूछे चाहे बीडी का पूछे, तो आप लोग एकदम करेक्ट आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर के साथ। हर क्लासें, हर एग्रीकल्चर की मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लवणीय मृदा का ईसी होती है। ठीक है, आपको बताना है लवणीय मृदा की ईसी कितनी होती है। ईसी मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता होती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको बताना है लवणीय मृदा में ईसी कितनी होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, कम 4 dC प्रति एम या कम 3 ESP या अधिक 4 dC या एक और दो, दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लवणीय होती है, एक होता है लवणीय, एक होता है क्षारीय, और एक होता है लवणीय और क्षारीय दोनों। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं ईसी की। ईसी इसमें हो जाएगा लवणीय में, यानी कि 7 से क्या होगा, अधिक होगा, और इसमें क्या होगा, 4 से कम रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, 4 से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें याद होना चाहिए लवणीय और क्षारीय, और लवणीय और क्षारीय का तीनों का मतलब आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर एमएम में कितना लीटर पानी होता है। काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है 1 हेक्टेयर में कितना एमएम लीटर पानी होता है। तो पहले 1 हेक्टेयर की बात कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर एमएम में कितना पानी होता है, तो ये हो जाएगा 10,000 लीटर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड पूछ सकता है आपको कि 1 हेक्टेयर बराबर सेंटीमीटर में। ठीक है, तब आपका हो जाएगा 1,00,000, यानी कि 4 0 इधर लगा देंगे। ठीक है, 4 0 हो गया। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले 1 हेक्टेयर मीटर में पूछ ले, तो 1 हेक्टेयर मीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 5 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना लीटर। तो अगर यही क्वेश्चन जैसे 1 हेक्टेयर का एमएम कितना लीटर पानी होता है, अगर यही 2 हेक्टेयर का पूछ लेगा, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20,000 लीटर। ठीक है, अगर 3 का पूछ रहा है तो 30,000 हो जाएगा लीटर। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही आंसर, यानी कि 10,000 लीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहा है अपेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या होगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अपेक्ष आर्द्रता की इकाई बताना है क्या होती है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या करा है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम मीटर क्यूब, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा ग्राम प्रति किलोग्राम या ऑप्शन सभी। इन चारों में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपेक्ष आर्द्रता की पूछ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि कृषि के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है, तो हो जाता है RH, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कृषि के लिए सबसे उपयोगी। ठीक है, कृषि के लिए सबसे उपयोगी। ठीक है, तो ये इसको आप टिक लगाते प्रतिशत पे जाते हैं या RH पे जाते हैं। अगर यही एक पूछ लेता सापेक्ष आर्द्रता, क्या पूछता, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता, तब आप किस ऑप्शन के साथ जाते, थर्ड ऑप्शन के साथ जाते हैं, यानी कि ग्राम प्रति किलोग्राम। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में हम जान लिए हैं,
अगर आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन बन रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार का, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेब में लिटिल लीफ रोग होता है, किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, यहां से आपको कंफ्यूजिंग दूर होगी, इस चैनल पर आएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जेडन की कमी के कारण, यमयन की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण और बोरान तत्व के। अधिकतर आप लोग पढ़े हैं, हर किताब में पढ़े हैं कि जितने भी रोग होते हैं लिटिल लीफ से संबंधित, यानी कि छोटी पत्ती रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग सिंपल सा ऑप्शन लगा देते हैं जेडन की कमी के कारण क्या होता है, लिटिल लीफ होता है, जैसे कपास, आम, ठीक है, और भी जितने भी ऐसे फसलें हैं, क्रॉप्स हैं या पौधे हैं, उसके अंदर लिटिल लीफ संबंधित रोग आता है तो आप लोग जेडन लगाते हैं। ये सही भी है, ठीक है, कपास और आम और जितने भी रोग संबंधित होते हैं उसमें लिटिल लीफ किसकी कमी के कारण होता है, जेडन की कमी के कारण होता है। लेकिन एक अपवाद भी होता है, क्या होता है अपवाद, कि अगर पूछ ले सेब में लिटिल लीफ किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा यमयन के कारण, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है, अपवाद है, अपवाद एक ही में है, सिर्फ सेब में लिटिल लीफ जो होता है वो होता है यमयन की कमी के कारण। बाकी इसको छोड़ के जितने भी किसी में पूछ रहा है, कपास, आम, सब में जो भी क्रॉप पूछे, सब में जेडन की कमी के कारण आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है, बार बार कन्फ्यूज किया गया है, बच्चे लोग बहुत बार गलतियां करके चले जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिन प्रतिदिन की घटनाएं, ठीक है, जो भी दिन में या रोजाना की घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में घटित होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन की घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती है, बताइए जल्दी से आंसर इसका दीजिए, सोचिए समझिए, ठीक है, यहां पर उत्तर दीजिए, गलत होगा चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, यहीं से आपको सीखने को मिलेगा। देखते हैं, स्रोव मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या तापमंडल, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, यानी कि स्रोव मंडल, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फीयर, कभी कभी स्रोव मंडल की जगह ट्रोपोस्फीयर दे देते हैं तभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्रोव मंडल। यहां पर समताप मंडल दिया है, समताप मंडल यानी कि वायुयान की घटनाएं, जो वायुयान उड़ते हैं, जहाजें उड़ती हैं, वो समताप मंडल में उड़ती हैं, इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, किसको, समताप मंडल को, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कन्फ्यूज किया है, सभी लोग इसमें कन्फ्यूजिंग के नाते गलत करके चले जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में किरणों को कितना समय लगता है। सब लोग रट रखे हैं, क्या रटे हैं, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक, क्या रखें, 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा क्या, यानी कि दोनों ही सही होगा, कैसे सही होगा इसको समझते हैं, यानी कि 60 × 8 = 48, ठीक है, प्लस कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, कितना हो जाएगा, 500 सेकंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि ये भी होगा, तो दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे, तो हम ऑप्शन के जाएंगे फोर्थ के साथ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी गलती करके चले आते हैं, क्या गलती करते हैं अभी हम बता रहे हैं। फसलों को पाले से बचाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, सब लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मात्रा पूछा है मेरे दोस्त, क्या पूछा है, 0.2% H2SO4 का, 0.1% HCl का, या 0.1% H2SO4 का, या 2 और 3 दोनों सही है। तो सब लोग कन्फ्यूज होंगे, 2 और 3 दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, एक बार पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं, यानी कि 0.1% H2SO4 का स्प्रे किया जाता है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यानी कि 0.1% H2SO4 का छिड़काव करते हैं, किससे बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, काफी इंपॉर्टेंट और क्या लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस विधि से धान की सिंचाई करते हैं, किसकी सिंचाई, धान की सिंचाई कौन सी विधि से करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई से, फुहारा विधि से, प्रवाह विधि से, या क्यारी विधि से। काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में
सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर करिए, जितना कर पा रहे हो शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठा सकें और सभी बच्चे इस वीडियो को पढ़ सकें। तो देखते हैं धान की विधि में किस विधि में धान की सिंचाई करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो धान की विधि में सिंचाई करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? प्रवाह विधि। प्रवाह विधि से ही सिंचाई करते हैं इसमें, ठीक है ना? बूंद बूंद से करते हैं, ना फुहारा से, ना क्यारी विधि करते हैं। तो प्रवाह विधि धान की खेती के लिए, सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बूंद बूंद सिंचाई किस में करते हैं, तो ये जितने भी फल वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है, उनमें सिंचाई की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। और एक चीज यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा पानी का नुकसान किस में होता है, ठीक है। पानी का नुकसान अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा किस विधि में होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो किस विधि में हो जाएगा? प्रवाह विधि में हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? प्रवाह विधि में हो जाएगा। अगर यही पूछ लेगा सबसे ज़्यादा बचत जो पानी की होती है, बचत किस पानी में, किस विधि से होती है सिंचाई से, तो आपका हो जाएगा यानी कि बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई से। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा फुहारा विधि, दूसरा विधि आ जाएगा फवारा विधि, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बचत बूंद बूंद सिंचाई से और फवारा विधि से बचत होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है प्रवाह विधि में होता है, क्योंकि इसमें पानी बहता रहता है, पूरा खेत भरा रहता है, पानी इधर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो धान के खेत में हमेशा पानी भरा रहना चाहिए 3 से 4 इंच तक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एग्रोनॉमी पूरी हम कंप्लीट करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आना ही नहीं है, ठीक है। चाहे पीजीटी का दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का दे रहे हैं, चाहे बीएचयू, एफओ, आईबीपीएस, डबल एओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इनसे बाहर कहीं नहीं आपको आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पूछा है, ठीक है। किसमें? धान में जो सिंचाई करते हैं उसकी क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? CRI, क्राउन रूट इरिगेशन, या बोटिंग अवस्था, या टेस्लिंग विधि, या फूल आने से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं CRI अवस्था, ये किस में करते हैं आप लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ में जो इसकी क्रांतिक अवस्था मानी जाती है, ये कौन सी हो जाएगी? CRI, यानी कि क्राउन रूट इरिगेशन। ये 21 दिन पर सिंचाई की जाती है, 21 से लेकर 25 दिन के अंदर, लेकिन मैक्सिमम मानी जाती है 21 दिन, ठीक है। बोटिंग अवस्था किसमें करते हैं? ये हो जाएगी धान के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यही भी पूछ रहा है, धान की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या हो जाएगी? तो बोटिंग अवस्था हो जाएगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्लिंग यहाँ पर पूछा है, तो ये हो जाएगा मक्का, ठीक है। किसमें हो जाएगा? मक्का में टेस्लिंग होता है, ठीक है। फूल आने से पहले और फली बनने पर, ठीक है, और फली बनने पर तब क्या हो जाएगा? चना, ठीक है। कब सिंचाई करते हैं? यानी कि फूल आने से पहले और फली बनते समय, बनने से पहले कह सकते हैं या बनने पर सिंचाई जो करते हैं वो किस में करते हैं? चना के अंदर करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यानी कि फूल आने पर और दाने बनने पर, ये दलहनी वाली जितनी क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर ऐसी सिंचाई की जाती है, जिसको क्रांतिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो आज का हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा है। तो पूछा है इमीटर किससे संबंधित है। इमीटर को ड्रिपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रिपर। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर इमीटर नहीं दिया तो ड्रिपर भी दे सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। फुहारा है, बूंद बूंद सिंचाई है, या कोरोगेशन है, या सरज विधि है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इमीटर यानी कि ड्रिपर का प्रयोग किसमें करते हैं? बूंद बूंद सिंचाई में करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुहारा की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछता नोजल, ठीक है, क्या पूछता? नोजल पूछता, तो हमारा हो जाता फुहारा, सही हो जाता, ठीक है। कोरोगेशन क्या होता है? स्वचालित सिंचाई, ठीक है। क्या है? स्वचालित सिंचाई इसमें प्रयोग करते हैं कोरोगेशन का, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जितने भी लोग देख रहे हैं, ये एग्रोनॉमी को वीडियो क्लास चल रही थी, आज की सेकंड क्लास थी। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है एग्रोनॉमी क्लास नंबर 1 करके लिखा हुआ है, ये नंबर सेकंड रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। कल फिर बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जितना हो सके उतना वीडियो को इसको शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि इस वीडियो का सभी लोग लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं, नमस्कार।